मेरी गाड़ी में आज इसका जो रेडिएटर था उसका फ्लश करने वाला रेडिएटर फ्लश आता ही रहा, रेडिएटर क्लीनर सॉरी, ये जैसे मैं तो इसकी इंजन ऑयल भी मंगा के रखा हूँ, वो मिलते हैं देखते हैं कब काम कराता हूँ। तो ये है अपना लिक्की मोली का, तो बात कर लें इसका 200 ml है, प्राइजिंग इस पर कुछ तो 500 600 400 300 रुपये से आती है, लेकिन है कुछ 300 के आसपास का है, 387 है वो, तो मैं एग्जैक्ट प्राइस और लिंक शेयर कर दूँगा, मैंने अमेजन से ही मंगाया है। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। तो इसमें आपको चाहिए बस एक फ्लायर, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, नीचे एक चकली आती है तो खोलना रहता है। ठीक है, तो बोनेट खोलेंगे इसका, और फ़ायदे में तो बताऊँ जैसे कि अपना गाड़ी जो सेल वो है रेडिएटर काफ़ी दिन का पुराना है। ठीक है, अगर आपको कूलिंग के इशू आ रहा है तो आप कर सकते हैं इससे, बोनेट ओपन, खुल गया बोनेट, पूरा बोनेट खोल लेते हैं तो काम करने में आसानी रहती है। इसकी कैप है, अभी दिखा दूँ इसमें, जो लास्ट टाइम मैंने कूलेंट डाला मुझे वो उस क्वालिटी में मुझे इशू हो रहा है, वो बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, मैं बोला अब बदल रहा हूँ तो उसको क्लीन कर लूँ, तो जैसे कि आपको ग्रीन दिखेगा लेकिन आप ऐसे हाथ पे देखोगे तो बिल्कुल पानी हो गया है, आपको दिखता हो शायद। तो ये जो लास्ट वाला था वो बेकार था, इससे पहले जो मैंने महिंद्रा में ऑटो चैम्प वाला डाला था जब मैंने इंजन चेंज करवाया था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, काफ़ी दिन तक चला, ऑटो चैम्प ले सकते हो आप आराम से। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं कूलेंट का, तो बाद में आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको खोलना है तो बता दें ये चकली है, चकली के मतलब एक वॉल आता है, ये खोलना है, जिस गाड़ियों में नहीं आता है उनको नीचे जो रेडिएटर में वो ऐसी पाइप आती है वो निकालनी पड़ेगी नीचे से, ये वाली पाइप नीचे से, कुछ जैसे एक्सयूवी में सब में नहीं आता है, अपने में तो आता है, तो यहाँ से आपको ये खोलना है, नहीं खुल रहा है, अब यहाँ अपना काम तैयार का पड़ेगा। आ गया, अब थोड़ा इसको पकड़ के घुमाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत नहीं करनी, फिर ऐसा ना हो कि टूट जाए वो, कई बार बहुत पुरानी तो टूट भी जाती है, तो यहाँ से इसको अपने किसी में इसको कलेक्ट करने का ऑप्शन करता हूँ। रुको, ये देखो ये तगाड़ा लगा दिया है, तगाड़ा डोल जैसा आप लगा सकते हो कुछ भी, जैसे कि पानी उसमें गिरेगा, कोई जानवर पी ना ले इसे इकट्ठा हो तो मतलब इसका। ठीक है, तो अभी खोलोगे तो कैप तो मैंने ऊपर से खोल के रखी है तो तेज़ गिरेगा, ये देखो गिरने लगा, ये बिल्कुल काला हो गया। एक्चुअली इंजन भी मैंने पुराना लगाया था, इन लोगों ने क्लीन करके कुछ सख्त करते नहीं है लोग मैकेनिक। ठीक है, अभी धीमा रख सकते हैं आप ऐसे, ऐसा गिरे धीरे धीरे, नहीं तो क्या हो ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक है, गिरने देते हैं खाली होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये रहा अपना पूरा गिर गया, अब इसकी हालत तो ऐसे आपको अच्छी अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे हिला देंगे तो एकदम काला पड़ गया है, दिखा इसका देखो लोग, अभी पटाखे वाला आ गया था बोलने लगा था, देखा जैसे कि ये देखो काफ़ी अगर हिला के से पूरा कर दोगे तो बहुत काला है, रेडिएटर साफ नहीं, क्योंकि अपना स्टोक वाला है जो पहले कंपनी यूज़ करती थी आर्मी, काफ़ी दिन तक पड़ा था ऐसे ही कचरा जमना, तो सही बात है। तो ये हुआ अपना काला पीला हो गया, और ये इतना एक्चुअल में दिख रहा है हरा आपको, लेकिन आप इसको अगर ड्रॉप देखोगे तो पानी जैसी है, कूलेंट तो गया है, कूलेंट जो लास्ट टाइम था तो मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अब मैं इसकी जो आपकी ये निकली है इसको लगा देना है, और फिर इसमें अभी मैं सादा पानी डालूंगा और थोड़ी जगह रख के फिर अपना ये फ्लशर डालेंगे, ये रहा सादा पानी है अभी, फिर अपने लास्ट में इसमें आरओ का पानी डालेंगे, आप डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हो, काफ़ी बड़ा है इसका लगभग 6 लीटर आता टोटल, तो इसलिए मैंने सोचा एक पास आरओ का पानी ही सस्ता पड़ेगा मेरे लिए। ठीक है, आप दोनों चीज़ें जैसी है आप कर सकते हो, मैंने बैटरी वाले को ही पूछा इसके लिए। ठीक है, अब मैं सब लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ पानी। ठीक है, और पानी डालने के लिए तो बस आपको जग जग डालना है, लगभग आएगा आपका 6 लीटर के आसपास आता है, उसके ऊपर आता है। ठीक है, ऐसे डालेंगे, कई लोग क्या करते हैं इसकी कूलेंट के साथ में इसको मिक्स करके फ्लश कर लेते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो, मैं तो खाली करके फिर इसमें पानी साथ में इसको मिक्सर में इसको फ्लश करने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा ना भरते हैं, उससे पहले आपको ये फ्लश वाला डाल देना है। ठीक है, अभी थोड़ा मैं भर लेता हूँ फिर अपने इसको डालते हैं अंदर, थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, अब इसको डालेंगे अपने, तो आपको ये यहाँ से दबा के इसको घुमाना पड़ेगा, और ये इसको ऐसे घुमाएगा तो खुल जाएगा, ये थोड़ा पुश करना पड़ता है, सो पुश करके फिर लॉक खुलता है। ठीक है, और बाकी जैसे ऑयल की तरह ऑयल के डब्बे आप कंटेनर देखेंगे तो उसमें ये सिस्टम आती ही है, उसको खींच लेंगे बाहर,
दम लगाया थे बाहर आ गया, लोग खुला ही नहीं। कोई टेंशन नहीं, 200 ml अपने लिए बराबर है, ये डाल देते हैं। छोटा रेडिएटर हो तो ज़्यादा होता है, छोटी गाड़ी से 3 लीटर का आता है उसमें, ठीक है। ये डाल देंगे इसको, एक बार इसको पानी ले लेते इसके अंदर। ये अब इसको पूरा अपने फुल होने तक का पानी भर देते हैं। पानी भर दिया, ठीक है। ये थोड़ा कम होगा जब अपना स्टेटर वॉल खोलेगा थर्मोस्टेट, तब ये कम होगा। थोड़ा बंद कर देते हैं इसको अपने, और आपको गाड़ी चालू करनी पड़ेगी जब तक गाड़ी का टेम्परेचर ना आ जाए वापस। तो इसको फिट बंद कर लो, इसको चलती गाड़ी में नहीं खोलना है। थोड़ा ठंडी जगह तब खोलेंगे, अपनी तब खोल सकते हो, थोड़ा डिस्प्ले के जलने का चांस होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने, करेंगे अपनी गाड़ी चालू। हो गया, इसमें क्या करना है, जब तक आपका ये टेम्परेचर है, मैंने 82 वाला डाला थर्मोस्टेट, तो 82 जब तक खुलना जाए तब तक गाड़ी चालू रहेगी। आपका 89 का तो 89 तक जाएगा ये, तब एक खुलेगा थर्मोस्टेट, तब तक आपको इंतजार करना है, तभी पानी इंजन में सर्कुलेट होगा जो आपका डाला हम लोगों ने, ठीक है। और उसको गाड़ी चालू जाने देते हैं, टेम्परेचर आ जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अपना 82 डिग्री के आसपास पहुँच गया है, ठीक है। अभी ज़्यादा होकर फिर थोड़ा कम होगा, गाड़ी ठंडी होगी तो अपने आप कम हो जाता है। आपका 89 है तो 90 आएगा, लगभग 15-20 मिनट लग गया। थोड़ी क्या बड़ी गाड़ी थी, ज़्यादा गर्म होने में टाइम लग गया, छोटी गाड़ी तो जल्दी गर्म हो जाती, अभी चलती तो गर्म जल्दी हो जाती, ठीक है। खड़े खड़े करना था इसलिए, ठीक है, अपने बंद करते हैं। और इसका जो निकालेंगे तो उसको पहले क्या करना है, इसको ठंडे हो देना था, थोड़ा गर्म ही नहीं निकालना है, क्योंकि उससे आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। थोड़ा मीडियम हो जाने दे, 5-10 मिनट लगेगा, आपका गाड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर आपको खोलना है, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको इस टाइम। 10-15 मिनट के ऊपर पड़ी थी, ठंडी हो गई। उसका आप दूसरा तरीका और भी है चेक करने का, आप इसको टेम्परेचर गेज चालू करोगे तो ये दिखाएगा, तो थोड़ा आ गया साइड तक, ठीक है। अब इसको अपने करेंगे, अब इसको अपने करेंगे उसको ड्रेन। तो अभी वो चीज़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ग्लव्स पहन सकते हो निकालने के लिए, या थैली भी लपेट लो हाथ तो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़ा इस्तेमाल करना, पहले तो आपको ये खोलना है, क्योंकि प्रेशर यहाँ होता है, तो ये धीरे रखने का, ज़्यादा गर्म में खोलोगे तो फेंक सकता है। तो इसको ऐसे रखने का, हाँ देखो निकला ना, प्रेशर होता है इसके अंदर थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा कम होता है क्योंकि थर्मोस्टेट घूमता खुलता है तो पानी नहीं जाता, तो पहली बार जब अपने भरेंगे तब भी आपको ये करना पड़ेगा। हो गया, अब इसको अपने ड्रेन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। निकाल लिया, तो देखो ये झाग है, इसमें नीचे कचरा है, देखो अभी बाद में गिर रहा है वो, उसके में क्या, वो थोड़ा बहुत तेज़ गिर रहा था, तेज़ नहीं हुआ, ठीक है। इसको भी रोकना था मेरे को, रोक लेते हैं, देखते हैं कुछ, तो गाड़ी सूख जाने के बाद ही हटाने वाला हूँ, ठीक है। ये झाग जो चीज़ है वो केमिकल ही है, देख रहे हैं आप कैसे वो निकल रहा है इसका, इसको खुले में फेंकना थोड़ा रिस्की है। हो गया, ये जो झाग है तो आप जैसे इसके बाद एक बार और कर सकते हो, या उसके बाद भी एक बार कर सकते हो, ठीक है। ये मैं प्रोसेस आपको बार बार दिखाऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो गया है, तो ये बार मैं कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं 2 बार और करूँगा इसको, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको दिखा सकता हूँ, अगर देखो अगर इसके बाद वाले में रिजल्ट आ गया, झाग निकल गया, तो प्रॉब्लम नहीं, मैं तीसरी बार कर दे नहीं करने की जरूरत है। अगर नहीं निकल रहा झाग तो आपको करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप इसको किसी जगह फेंको जैसे कोई इसको पी ना सके, ऐसा अपने डाल देते इसको दूसरी जगह। आपका प्लस करने जा रहे हैं, दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार हो गया ना, पहली बार होगा दूसरी बार, सॉरी, ठीक है। टेम्परेचर आ गया, गर्म नहीं हुआ, ठंडा हुआ, गर्म होता रहता, गाड़ी ठंडी फिर चला जाएगा नीचे, फिर आ गए, ठीक है। अब अपने इसको कर लेते हैं फ्लश, तो जैसा फ्लश किया था वैसा करेंगे, ठीक है। फिर अपना अगला राउंड वाला मैं आपको दिखाता हूँ, अपना वो केमिकल डालने के बाद दूसरा वाला है, ठीक है। तो इसमें जो झाग बहुत अभी है, इसलिए एक बार और ले लेते हैं। और कचरा बहुत निकला, ये ऊपर से आपको थोड़ा पानी डालोगे तो कचरा बहुत निकला, ऐसे आपके पास पाइप है थोड़ा प्रेशर भी डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे डालोगे तो कचरा पानी नीचे गिरेगा, तो काफ़ी गंदा पानी गिर रहा है, ठीक है। जैसे भी क्लीन कलर क्लीन कर लेते हैं, फिर अपना तीसरी का एक राउंड कर लेते हैं। तीसरी बार का है तो फिर जाने देते हैं, लगभग हो गया खत्म। तो अब रिजल्ट आ गया, इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, गिर रहा है। थोड़ा अपने पानी डाल के भी साफ़ कर सकते हैं इसको, जैसे अगर जब आपको पानी एकदम साफ़ आने लगे, समझना कि आपका काम हो गया, आपके पास मोटर वाली पाइप है मतलब पानी आ रहा है, तो आप कर सकते हो साफ़ इससे भी, यहाँ डालोगे तो अगर नीचे साफ़ पानी गिरने लगे, दिख रहा होगा आपको, जब वहाँ साफ़ पानी गिरने लगे तो आपका काम होगा, ठीक है। तो थोड़ा साफ़ कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है। अब ये सारा काम कर लेता हूँ, फिर अपने कूलेंट डालते हैं। कूलेंट अपना ये मारुति सुजुकी का जेन्युइन लाया हूँ, अभी ऑटो चैम मिल नहीं रहा था, अभी क्या करें, तो ये भी अच्छा है, डीजल वाली गाड़ियों में यही यूज़ करता है। इसका नाम है गोल्डन येल्लो करके आता है,
ठीक है, 270 का पड़ा है MRP, वो लोग एक डिस्काउंट नहीं, एक लीटर का है, इसमें दो और एसयू आता है। अगर आप 50-50 रखेंगे तो -36 डिग्री सेल्सियस तक आप चला सकते हो, अगर आप 30-30% रखोगे तो 15 डिग्री, तो अपने को तो अभी 30-30 रख ले, मैं कोई ऐसा नहीं है, अभी कश्मीर जाने का प्लान तो अभी है नहीं फिलहाल, ठीक है, तो इसलिए -15 भी चलेगा अपने को, 30% रखेंगे, 30% मतलब अगर आपने दिन के चले 6 लीटर आ रहा है तो 2 लीटर ही हो गया, 2 लीटर इसमें पानी आ सकता है, 2 लीटर इसमें पानी, तो 6 लीटर हो गया, ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से अपने इसको डालने वाले हैं। ओन खोल लिया, अब इसको अपने डालते हैं, डालना थोड़ा संभाल के है, गिरे नहीं, ठीक है, ये जा रहा है, इससे पहले आपको नीचे का वाल लगा लेना, वाल बिना नहीं डाल देना, वाल तो मैंने लगा लिया, टाइट कर लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो प्लास्टिक का टूट सकता है। नैनो में अपने सब्सक्राइबर कैसा हुआ था, उसने मेरे को पूछा था इसका सोल्यूशन, मेरे उधर रेडिएटर के नीचे की जो पाइप है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप अपने दोनों को उधर डाल देते हैं अंदर, अपने डालेंगे इसके अंदर डिस्टिल वाटर, अपना मैंने तो आर ओ का पानी लिया, ठीक है, घर में ढल लिया इसको, आपके पास आर ओ कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डिस्टिल वाटर भी ला सकते हो अगर मिलता है तो। आपको छार वाला पानी नहीं डालना, मतलब ऐसा खुला पानी या गंदा पानी, खास करके वो छार जम के इसको ब्लॉक कर देता है अपने, ठीक है, अभी मैं पूरा भर देता हूँ, थोड़ा कूलेंट मैंने इसमें भी डाला है, इसमें पानी डाल के इसको ये मैक्सिमम लेवल है ना यहाँ तक ले आएंगे, तो ये हो गया अपना काम, इसमें मैंने भर दिया इसको, टॉप अप इसको भी कर दिया, जब हाँ जब गाड़ी थोड़ी चलेगी थर्मोस्टेट वाले बार खुलेगा तो उसके बाद एक थोड़ा लेवल कम जाएगा, तो आपको टॉप अप करना पड़ेगा पानी, ठीक है, तो उसके लिए आप जुगाड़ कर ही लेना, ठीक है, अब इसे पैक कर देते हैं, ठीक है, ऐसे आप घर पे भी अपना रेडिएटर फ्लश कर सकते हो, क्लीन हो जाएगा, इससे गाड़ी की कूलिंग बढ़ जाती है, कई बार गाड़ी में जो हीटिंग का प्रॉब्लम है वो रेडिएटर से या थर्मोस्टेट वाला आता है ना उसका, इस दो चीज़ों से मेन होता है, आप एक उसको चेक कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी प्रोसेस लगी 2 घंटे के आसपास, वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा शायद, बड़ा हो गया होगा, ठीक है, इतना तो पूरी डिटेल शेयर करने इसलिए वीडियो बड़ा हो गया, ठीक है, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, एक जो कूलेंट है आपकी चॉइस के ऊपर आप कौन सा इस्तेमाल करते हो, ठीक है, प्री मिक्स वाला आता है और एक जो पानी से आता था वो प्री मिक्स, हाँ पहले ही पानी मिला हुआ आता है, और फिर एक जो आप बाद में पानी ऐड करते हो, ठीक है, ऐसा कूलेंट आप यूज़ कर सकते हो जैसा आप चाहो, ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।